इसके अलावा एक्सरसाइजेस के वर्कशीट्स के लिए आप मेरा फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट वेथ क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट में हमारे पास एक फिगर गिवन है इन द फिगर ए ओ बी एंड सी ओ डी आर स्ट्रेट लाइन्स वो हमें बता रहा है कि ए ओ बी और जो सी ओ डी है हमारे पास वो स्ट्रेट लाइंस है ए ओ ई इज नाइंटी डिग्री एज यू कैन सी हमें नजर भी आ रहा है एंड बी ओ डी हमारे पास फोर्टी एट डिग्री ये भी आपको नजर आ रहा है सो इन द फर्स्ट पार्ट वट वी हैव टू फाइंड जो हमें फाइंड करना है दैट इज ए सी ए सी हमें फाइंड करना है हम इसे लोकेट कर लेते हैं कि वेयर इज ओ सी दिस इज ओ सो द एंगल इज हियर ए सी इट्स मीन दैट दिस एंगल आई हैव टू फाइंड डियर स्टूडेंट्स हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं यू कैन सी दिस फोर्टी एट एंड दिस लाइक बी ओ डी जो आपके पास है और ए सी ये आपके पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं यू कैन सी दैट हमारे पास सी ओ डी एक लाइन है आपको नजर आ रहा है और दूसरी लाइन हमारे पास ए ओ बी है सो so, आप देख सकते हैं कि ये एंगल्स आपके पास वर्टिकली ऑपोजिट हैं। लाइक बी ओ डी फोर्टी एट डिग्री है तो ऑबियसली ए सी जो है हमारे पास वो भी फोर्टी एट डिग्री एंगल होगा सो इट्स वेरी इजी आपने क्लियरली आइडेंटिफाई कर लिया की ए ओ सी जो है वो भी आपके पास फोर्टी एट डिग्री एंगल है एंड द रीजन इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आपको साथ रीजन जरूर मेंशन करना है अब सेकेंड पार्ट में हमें क्या कह रहा है सेकेंड पार्ट में हमें कह रहा है दैट यू हैव टू फाइंड डी ओ सो सबसे पहले हम जो हमारा डी ओ -E एंगल है उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं लोकेट कर लेते हैं कि डी ई -E एंगल हमारा कहाँ पे है सो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये है डी ई आपके पास जो एंगल बन रहा है डी ओ ए, वो यहां पे आपके पास एंगल आ रहा है ये वाला एंगल ये आपने एंगल जो है डी ओई फाइंड करना है सो so, हम इसे फाइंड करते हैं डियर स्टूडेंट्स अगर हम इंफॉर्मेशन uh, जो गिवन है उसे यूज़ करें तो उसमें हमें बता रहे हैं कि ए ओ बी एंड सी ओ डी आर स्ट्रेट लाइंस ये हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस हैं एंड यू नो इट कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री यानी स्ट्रेट लाइन के पास जो आपके स्ट्रेट uh, लाइन के ऊपर आपके पास जो एंगल्स होते हैं वो वन डिग्री के इक्वल होते हैं सो so नाउ हम एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर लेते हैं अगर डियर स्टूडेंट हम ये वाली लाइन कंसीडर करें ओ बी ये एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर करते हैं हमें मेंशन भी है कि ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है अगर आप इस लाइन के ऊपर देखें तो ये आपके पास डी ओ e, इसी लाइन के ऊपर एंगल है ठीक है सो वी कैन कंसीडर दिस लाइन हम इसे कंसीडर कर सकते हैं सो so, इस लाइन के ऊपर इस ए बी लाइन के ऊपर आपके पास कौन कौन से एंगल हैं? दिस वन दिस वन एंड दिस वन ये जो आपके पास लाइन है ए बी ऑन दिस लाइन यू हैव दिस थ्री एडजस्टेंट एंगल इट्स मीन ये जो तीन आपके पास एडजस्टेंट एंगल्स हैं, इनका सम क्या होगा वन एटी अब ये स्टूडेंट एक एंगल आपको पता है फोर्टी एट दिस वन एंगल ऑल्सो यू नो इट ये नाइन्टी डिग्री का एंगल है तो एक ही अन नोन है वी कैन ईजीली फाइंड सो इसका हम सोल्यूशन कर लेते हैं अब स्ट्रेट लाइन के ऊपर आपके पास जो भी एंगल है तीन एंगल आप किसी भी सिक्वेंस से आप लिख सकते हैं इफ आई एम राइटिंग दैट बी ओ डी एक एंगल है बी ओ डी सेकेंड एंगल इज डी ओ ए, ये एडजेसेंट एंगल है थर्ड एंगल इज ई ओ ए इनका सम 180 है एंड रीजन हम इसका लिखेंगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इक्वल टू 180 एटी और वी कैन राइट दैट ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन दैट्स वाई वी आर टेकिंग दिस एडजेसेंट एंगल्स नाव बी ओ डी यू नो इट क्या आपके पास ये फोर्टी एट है ठीक है बी ओ डी यूटर फोर्टी एट नेक्स्ट एंगल डी ओ तो आपने फाइंड करना है ई ओ क्लियरली नाइन्टी डिग्री एंगल है अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आप डी ओ इजिली फाइंड कर सकते हैं ना डियर स्टूडेंट्स डी ओ फाइंड करना है हमने नाइन्टी और फोर्टी एट हम इसको ऐड कर लेते हैं डी ओ ई एज इट इज और नाइन्टी और फोर्टी एट को इफ यू एड इट गेट वन थर्टी एट और वन एट्टी फॉर फाइंडिंग डी ओ ई यू हैव टू शिफ्ट दिस वन थर्टी एट हेयर इट इज विद प्लस साइन जब हम इसे राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास ये माइनस हो जाएगा वन एट्टी माइनस वन थर्टी एट अब इसे हम माइनस कर लेते हैं वन एटी डिग्री माइनस वन थर्टी एट तो आपके पास हो जाएगा फोर्टी टू सो डी ओ आपके पास जो एंगल आ गया है जो हमने फाइंड करना था वो है फोर्टी टू डिग्री क्वेश्चन नंबर नाइन इन क्वेश्चन नंबर नाइन गिवन दैट ए ओ बी एंड सी आर स्ट्रेट लाइंस फाइंड द वैल्यू ऑफ अनोन डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर नाइन में हमें टू स्ट्रेट लाइन गिवन है एज यू कैन सी दिस ए ओ बी एंड सी ओ डी ठीक है ये आपके पास स्ट्रेट लाइन हैं यू कैन सी एंड सी ओ डी और हमने अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है आप देख सकते हैं इसमें अन कौन सा है हमारे पास दिस ई डिग्री द स्मॉल लेटर्स विल बी अनोन स्मॉल लेटर्स जो हैं वो अन को शो करते हैं ठीक है और ये जो कैपिटल है दीज आर द लाइन इंडिकेशन सो ए डिग्री हमने एंगल फाइंड करना है सो हाउ कैन वी फाइंड डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं दट ई ओ बी एंड सी ओ डी ठीक है ये दोनों लाइन्स इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं ठीक है सो वेन वेन एवर वी हैव इंटरसेक्टिंग लाइन्स सो

ये आपके पास क्या है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स और आपको पता है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं ठीक है आपको ये क्लियरली नजर आ रहा है सो so, हम इस कॉन्सेप्ट से इसको फाइंड कर लेते हैं लाइक दिस एंगल्स एंड दिस एंगल्स आर दिस वन वन सेवन वन वन सेवन एंड दिस एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स सो वी कैन राइट ए डिग्री थर्टी डिग्री and 40 degree these angles are equal to 117, 117 because these are the vertically opposite angles dear student now from here you can easily find a degree you have to add 30 and 40 70 and then for finding a you have to shift 70 degree towards right hand side ठीक है, ए फाइंड करना है ना तो सेवेंटी को आपको शिफ्ट करना पड़ेगा राइट साइड पे अब हम इसे सब कर लेते हैं वन वन सेवन एंड सब कर लेते हैं सेवेंटी सो यू विल हैव फोर्टी सेवन सो ए आपके पास आ गया है फोर्टी सेवन डिग्री डियर स्टूडेंट्स हमने क्या लॉजिक यूज की कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं सो दीज आर दीज आर द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स सो ये इक्वल हैं अब आप देख भी सकते हैं यहाँ पे ए यह हमने 47 फाइंड कर लिया 47 सेवन प्लस थर्टी प्लस फोर्टी इफ यू विल ऐड दीज एंगल देन इट विल गिव यू 117 हंड्रेड सेवनटीन मीन दीज एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल नाउ वी हैव बी पार्ट स्टूडेंट्स पहले तो आप अनोन आइडेंटिफाई कर लें हमने अनोन फाइंड करने हैं सो so, इसमें आपको अनोन नजर आ रहे हैं बी एंड सी ठीक है और आपको इंफॉर्मेशन क्या गिवन है दैट ए ओ बी और सी ओ डी दीज आर द स्ट्रेट लाइंस ठीक सो so, हमने फाइंड करने हैं अनोन एंगल्स दिस सेवन बी थ्री बी एंड दी सो डियर स्टूडेंट्स यू कैन सी के ये जो एंगल्स हैं आपके पास सेवन बी और थ्री बी आपके पास स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल्स हैं यू कैन सी स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये दो एंगल्स हैं सेवन बी एंड थ्री बी सो आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर आपके पास एंगल्स हैं ये एडजेसेंट एंगल्स हैं इनका सम क्या होता है वन एटी डिग्री सो वी विल यूज दिस लॉजिक

टेन यहाँ डिवाइड हो जाएगा दीरो विल बी कट एंड बी डिग्री इज एटीन डिग्री सो यू हैव डन विद आपने बी फाइंड कर लिया अब डर स्टूडेंट आपके पास जो अनोन रह गया है वो सी डिग्री अन है नाउ यू कैन यूज बोथ ऑफ द लॉजिक्स अगर आप सी ओ डी लाइन कंसिडर करते हैं So, line पे आपके पास एडज एंगल ये दोनों हैं इनका सम वन एटी की इक्वल होता है सो यू कैन फाइंड सी फ्रॉम हेयर ठीक है एक आपकी ये लॉजिक यूज कर सकते हैं सेकेंड आप देखें कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे सी आपने फाइंड करना है सो so, सी के ऑपोजिट में आपके पास ये एंगल है ठीक है ये दो एंगल्स जो हैं, है वर्टिकली ऑपोजिट है सो वर्टिकली ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं इट्स मीन दैट यू जो सी है इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सेवन बी है सो दिस विल बी इक्वल ये इक्वल हो जाएंगे बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स नाउ सी यू हैव टू फाइंड सेवन टाइम्स बी सी इक्वल है सेवन टाइम्स बी और बी क्या है एटीन डिग्री सो वी विल मल्टीप्लाई सेवन एंड एटीन बी आपके पास क्या था एटीन सो so, आप इसको मल्टीप्लाई कर लें इट विल गिव यू वन ट्वेंटी सिक्स तो इजीली आपने यहां से एंगल uh, सी जो है आपका वो भी आपने फाइंड कर लिया सो होपफुली स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर एट एंड क्वेश्चन नंबर नाइन अच्छे से समझ आ गया होगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो